हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा नाम है गेमर और आज के वीडियो के दौरान हम खेलने वाले हैं ग्रैनी। सो गाइस, ग्रैनी के हमने सिंपल एस्केप करा था बट आज हम इसका सीवर एस्केप करने वाले हैं। तो यस गाइस, तो सीवर एस्केप से पहले ना जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको लेटेस्ट वीडियो की न्यूज़ कहाँ से मिलेगी। तो तभी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी देरी के। तो अभी फटाफट से हमारा चल चुका है डे वन, क्योंकि भाई डे वन के अंदर ही सब कुछ करना है हमें ऐसे ही थोड़ी। और अभी फटाफट से हम उठ चुके हैं भाई। हमारा ग्रैनी हमेशा की तरह अपना घर साफ नहीं करती, सारी जगह गुटखा थूक के रखा है इसने। खैर, गुटखा तो ये अजय देवगन भी नहीं है, लेकिन पता नहीं, मेरे को लगता है कि अजय देवगन की नौकरी खाने में सबसे बड़ा हाथ इसका ही होगा, क्योंकि जितने इसने अपने घर में गुटखा थूक रखा है हर जगह भाई, हर दीवार गंदी है इसकी। मेरे को लगता है इसे जाना चाहिए भाई। और फिलहाल अभी फटाफट से पूरे घर की तहकीकात करते हैं कि कहाँ पर हमें सामान मिलेगा। और यहाँ पर बंदूक का पार्ट दे रहे हो, कुछ ढंग का सामान दे दो ग्रैनी को। ग्रैनी से तो मैं वैसे भी नहीं डरता, खैर डरता था, पहले ही डरता था भाई, लेकिन अब नहीं डरता क्योंकि ग्रैनी के बस की तो है नहीं कुछ, गुटखा चबाती रहती है वो। और यहाँ पर फटाफट से यार ये एक और मैं एक लगाने आया था बट यहाँ पर दूसरा भी यहीं पड़ा था, तो खैर हमारा काम बन गया। और अभी मेरे को तीसरा वाला पार्ट भी चाहिए। दो दे के गेम कहती है कि लो खुश हो जाओ, लेकिन तीसरा भी तो चाहिए। और यहाँ पे भी खोल के देखते हैं, इसमें भी कभी कभार कुछ निकल जाता है। और यार अभी मैंने शोर कर दिया है ग्रैनी के, अभी आने वाली है, इससे पहले ग्रैनी आई हम ही गैरेज से भाग जाते हैं। और फटाफट से आ चुका हूँ मैं किचन के अंदर, क्योंकि भाई गैरेज के अंदर तो आ जाती ना। और ये पार्ट मिल गया शॉर्टकन का, बस फटाफट से ये लगाता हूँ और ग्रैनी को पटकाते हैं भाई, क्योंकि ग्रैनी इतना विमल खाती है। मैंने उसे बहुत बार मना करा, मत खाया कर मत खाया कर, लेकिन पता नहीं उसे क्या ही मजे आते हैं। अब उसको विमल खाती है ना, वो उसके पट से हेड शॉट ही मारेंगे, सारा विमल जितना भी खाया होगा सारा एक ही बारी में बाहर आ जाएगा उसका। पहले इसे लगा के आते हैं, फिर उसके बाद ग्रैनी की जो कयामत आएगी ना वो ग्रैनी देखेगी और मैं देखूँगा, क्योंकि मैं ही दूँगा उसे कयामत। और फटाफट से नीचे चलते हैं। और तुम्हें पता है अभी मेरी भी कयामत चल रही है, क्योंकि मेरे चल रहे हैं पेपर तभी वीडियो डेली हो रही है, नहीं वीडियो डेली नहीं होती भाई, इसलिए मैं ज़्यादातर पढ़ता ही रहता हूँ। खैर नकली, लेकिन पढ़ता तो हूँ। और इसलिए फिर मेरे पेपर आ रहे हैं, तो पेपर के दिन बस रिजल्ट वाले दिन मेरी भी कयामत आएगी, जैसे ग्रैनी की अब आएगी। ग्रैनी के हो चुके हैं 2 मिनट के लिए ढेर। और हम चलते हैं फटाफट से और सामान लेने, क्योंकि अगर कहीं पे भी सामान मिल जाए तो फिर उससे भाई हम फटाफट से सीवर एस्केप कर सकते हैं। और ये जो बुक मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये वो बुक है जो अल्जेरिना को आज़ाद करवाएगी, और फिर उसकी जो बॉडी है वो नीचे सीवर में चली जाएगी, वहीं से वो हमको सारा कुछ वहीं से एस्केप करना है हमें। तो इसलिए हमें इसकी जो बॉडी है ना, ये घसीट घसीट के पहले बाहर जाएगी, फिर वो स्पाइडर की ड्रॉप करेगी, फिर जाके हम नीचे कहीं पहुँच पाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, शॉर्ट में तो दिखा नहीं सकता खैर, लेकिन जब ये चाबी गेर देगी, जब मेरा सामान आ जाएगा तब दिखाऊंगा। और ये इतने घंटे की वेलिया मारने के बाद मैंने फाइनली स्क्रू ड्राइवर नीचे गिरा दिया है, और ग्रैनी भी जिंदा होगी होगी, क्योंकि मैंने इन 2 मिनट में कुछ नहीं किया सिवाय इसके गिराने के अलावा। और ग्रैनी आ गई होगी, इसलिए ग्रैनी की वेट करते हैं यार, कब वो आएगी और कब हम उसे वापस कयामत देंगे। तो आ चुकी है ग्रैनी, गुटखा खाने वाली भाई, कम गुटखा खाया कर। और यहाँ से भी दराज खोलते हैं, इनमें कुछ नहीं है। और अभी फटाफट से चलते हैं यार ये स्क्रू ड्राइवर चक के, क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ से क्या अब तो कोई चाबी चूबी मिल जाए हम लोगों को। ओके, तो यहाँ से मेरे को फटाफट से रस्टी पादलोक की मिल चुकी है भाई, इसी पादलोक की तो काम था, क्योंकि यही नीचे लगेगी सीवर के अंदर। और यार मेरे को ना इसका ये जो रस्टेड पैडलॉक किया ना, इसका डिज़ाइन ना सारी की इससे बहुत अच्छा लगता है मुझे, एकदम मस्त वाला, पता नहीं अलग ही डिज़ाइन निकाल के रखा है गेम वालों ने। और अभी फटाफट से मैं बंदूक लेके आ चुका हूँ यहाँ नीचे। और ये जो अंदर डंडा पड़ा हुआ देख रहे हो ना, यही डंडा नीचे लगेगा। नीचे तीन चीज़ें लगेंगी नीचे सीवर में। एक तो हमें मिल चुकी रस्टेड की, और ये दूसरी भी मिल चुकी है वुडन स्टिक, जिसका हमें काम था दूसरे नंबर पर। और हम ना तीसरे नंबर पर जो चीज़ लगेगी ना हमें, बस वही चीज़ चाहिए भाई, और बस उससे तो फिर हम गेम जीतते ही पड़े हैं, बस ऑलमोस्ट बस वही चीज़ें चकनी है और फटाफट से नीचे जाना है। और यार फटाफट से डंडे को गेर के आते हैं, क्योंकि हमें तीसरी चीज़ भी तो चाहिए, अब ऐसे ही हम घूमते रहेंगे तो गेम ऐसी थोड़ी बनेगी। और यहाँ पर मैं कुछ एक्सप्लोर करने आया था बट यहाँ शोर हो गया और ग्रैनी मेरा ही एक्सप्लोर निकाल देती, इसलिए फिर मैं ये फ्रिज भी लेके आया हूँ। अब इस फ्रिज भी का काम मैं दिखाता हूँ तुम्हें भाई, ग्रैनी कब तक आएगी। और ये ग्रैनी आ चुकी है, तो ये दिखाता हूँ फ्रिज भी का काम, ये देखो। तो ये जो फ्रिज भी है ना, ये ग्रैनी को फ्रीज कर देगी, ये खेलने वाली फ्रिज भी नहीं है, ये जमाने वाली फ्रिज भी है। और ये जो ग्रैनी अपनी टूटी हुई बॉडी के साथ भी भाई हमें रोकने की कोशिश कर रही है, बताओ मर के भी, पहले ये ग्रैनी मरी पड़ी है और इसे मरने के बाद हमने एक और बार मार दिया और फिर भी ये हमें रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ से चकते हैं व्हील क्रैंक,
और ये व्हील क्रैंक है ना, ये नीचे लगेगा सीवर के अंदर। माना एक जगह है वहाँ पे अगर ये लगा दिया ना व्हील क्रैंक, तो एक रास्ता खुलेगा वहाँ पे, जिसके अंदर से दो मतलब एक चीज़ निकलेगी, कुछ भी सामान मिल सकता है हमें। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर रस्सी और पादलों की लगा के आऊँगा। ये गई अपनी एल्जेरीना भक्ति भक्ति, और मेरे को इससे अब टाइम तो है, क्योंकि ये एल्जेरीना उस साइड भगी है, तो हम लोग आराम से जा सकते हैं अंदर ताकि हम इसे लगा सकें। और ये जो देख रहे हो ना आगे इतना एड मोटर ताला, हाँ ये वाला ताला, तो इसे तोड़ना है हमें इससे, क्योंकि भाई ये रस्सी और पैडलॉक की इसी के लिए है। और अब हम गए फटाफट से ना, वो जो डंडा देख रहे हो ना तुम, जो ऊपर डंडा लेके आए थे हम, वो भी लेकर आना है। और ये बदसूरत आ चुकी है यार यहाँ पे। ओके तो ये डंडा मैं ले आया हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ यार ये डंडा ही चक के ना इसको मारूँ सर पे, आराम से दो तीन घंटे तक पड़ी रहेगी, फिर दो तीन घंटे तक हम वो एस्केप भी कर लेंगे। दो तीन घंटे भी नहीं, मेरे को तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा इस गेम को एस्केप करने में, क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा छोटी है। मतलब छोटी भी क्या, सीवर एस्केप के लिए सामान ही बहुत कम चाहिए होता है, और इसके लिए शायद एक्स्ट्रा लॉक्स भी नहीं आए हैं, तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये आ चुकी है हमारे पीछे बुड्ढी, मतलब बुड्ढी सॉरी ग्रैनी की चाची थी ना ये तो, हाँ ग्रैनी की चाची पता नहीं भतीजी थी ये, मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया तो था। खैर अगर तुमने मेरे पिछली वीडियो भी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत मस्त वीडियो थी, जाकर चेकआउट जरूर करना। और यहाँ पर अब सिवा हमें एक कटर चाहिए, वो कटर ना तुम्हें पता है ग्रैनी 2 में पहले डाला गया था, और ग्रैनी 1 में ये वाला कटर बाद में डाला गया है। लगता है डेवलपर जो होगा उस बेचारे को और चीज़ें डिज़ाइन करने का मन नहीं करा होगा, तो इसलिए उसने ग्रैनी 2 वाले ऐसे प्रॉप्स इसमें डाल दिए, क्योंकि उसका और चीज़ें बनाने का मन नहीं कर रहा होगा, आलसी होगा वो। और अभी फटाफट से ये व्हील क्रैंक जो मैंने तुम्हें बताया था, इससे एक रास्ता खुलेगा और वहाँ से सामान मिलेगा, तो ये यहाँ पर लगेगा। और ये अभी मेरे को पीछे जाना है बिल्कुल इसके, और यहाँ पर हमें कुछ सामान मिलेगा। खैर वो बदसूरत दिख तो नहीं रही है मेरे को कहीं पे भी, तो इसलिए चलते हैं फटाफट से। और यार जहाँ पर भी देख लो ना, पूरे सीवर के अंदर मकड़े के जाले ही जाले, मतलब कैसा क्या ये मकड़े, तो गेम के अंदर एक भी कीड़ा मकोड़ा तो देखा नहीं, ये खाती क्या होगी। और यहाँ से मेरे को मेलन, मेरे को पता था भाई कीड़े मकोड़े तो यानी मेलन ही खाती होगी, तभी तो स्टोरेज करके रखी है। देखा एल्जेरीना स्मार्ट बड़ी है। और ग्रैनी को मैंने यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि भाई अब मरेगी तभी तो हम बच पाएंगे, नहीं तो ये हम बार बार टपका देगी। और खैर टपकाना भी क्या, ये देखो ट्रैप बिछा के रखा टपकाने वाली थी, बस डे 1 ही चल रहा है अभी तो हमारा, अभी डे 2 चला भी नहीं है और हमने इतनी सारी प्रोग्रेस कर भी लिया है। ओके तो यहाँ पर मैंने ये स्क्रू ड्राइवर लगाना था और मैंने खोला, लेकिन यहाँ पर पादलों की लगी है भाई, मेरे को पादलों की चाहिए ही नहीं, तो तुम देख ही रहे हो भाई। और फटाफट से चलते हैं अपने, और ये जो मेरे को मिला था ना विंच हैंडल, ये ऊपर दो बक्सों में से वहाँ से लेकर आया हूँ मैं से। और यहाँ मेरे को हथौड़ा मिल चुका है भाई, ये हथौड़ा एक तो अपने मेन डोर पे लगता है, लेकिन मेन डोर एस्केप करना नहीं, हमको करना है यहाँ वाला एस्केप। और ये मेरे को ना ऊपर छत के ऊपर भी काम था, तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। और अब मेरे को लेके आना कटिंग प्लेयर, बट उससे पहले मैं ना इस वाले कमरे में जाकर देखने वाला हूँ, पक्का एक दराज में से कुछ ना कुछ मिलेगा, मैंने बोला था भाई, ग्रैनी खेल खेल के एक्सपीरियंस हो गया है। और फटाफट से यहाँ से चलते हैं कटिंग प्लेयर से, स्टार को काटा अंदर सेफ की है। और यार एक ना पहले जब ये मेरे साथ सबसे पहली बार हुआ था ना ग्रैनी गेम में, तब पता नहीं मैं प्रैक्टिस मोड खेलता था, तो जब मेरे पास साथ पहली बार हुआ था ना, तब मैं बहुत डर गया था कि मेरी सारी प्रोग्रेस लुट गई। लेकिन मेरे को पता लगा कि यहाँ से निकलने का भी कुछ उपाय होता है, तो फिर मैं फटाफट से यहाँ से निकल गया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस टाइम पे। और सब सेफ खोल के देखते हैं कि सेफ के अंदर से भगवान कटर निकल जाए। भाई इतने बड़े सेफ के अंदर इसने गड्डी की गाड़ी छुपा रखी है, हमारे यहाँ पर गड्डी की गाड़ी ना वहाँ टांग के रखते हैं। और ये तेरे को तुमको पता है कि ना इसके जो बाथरूम के अंदर ये गड्डी की छुपा के रखते कभी कभार, तो अरे ग्रैनी तेरे इसी की वजह से तेरे को मैं मरने के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर खोल के देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है। और यहाँ पर अब बर्ड सीड, और यहाँ पर ना बर्ड भी होगा एक, ये कलुआ सा वर्ड, कलुआ ही होता खैर। और यहाँ से फटाफट से रिमोट कंट्रोल चकते हैं, और इससे ना एक दरवाज़ा खुलेगा, उस दरवाजे के अंदर शायद कटर मिले। ओके तो मेरा शायद बिल्कुल सच्चाई में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि मेरे को यहाँ से कटर मिल गया है। और मैं यही कह रहा था ये कटर ना पहले ग्रैनी 2 में ऐड हुआ था, और ग्रैनी 1 में इन्होंने बाद में ऐड करा ये वाला कटर, जब सीवर एस्केप आया, तो पता नहीं इन्हें प्रॉप्स बनाने में आलस आ रहा होगा। और फटाफट से चलते हैं, और आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, और ये खोलता है फटाफट से अपना सीवर। भाई खुल जा जल्दी, डराता हो रहा है।
और यहाँ पर अपनी अल्जेरिना हमारी बुत्ती देख रही है भाई, फटाफट से चलते हैं बिल्कुल यहाँ से। और हो चुका है यार अपना सीवर एस्केप। भाई तुम एक बात देख रहे हो, ये ग्रैनी को झुकने में इतनी दिक्कत आती है और ये यहाँ पर झुक रखी है, हड्डी हुड्डी नहीं टूट गया तेरी? और ये अपनी अल्जेरिना मुँह खोल के बैठती रहती है, वह वह वह। इसका मन नहीं भाई, इसके अंदर मच्छर नहीं घुसते जो इतना ज़्यादा मुंह खोल के रखती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर कमेंट करना, तो बस तब तक के लिए बाय बाय।